राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से पुलवामा अटैक के शहीदों की वीरांगनाएं राजधानी जयपुर में धरना दे रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बंगले के बाहर धरना दे रही वीरांगनाओं से गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री शकुंतला रावत मिलने पहुंची, जहां उन्होंने वीरांगनाओं की लगभग सारी मांगे मानने का आश्वासन दिया है। हालांकि इसके बाद भी वीरांगनाओं ने अपना धरना खत्म नहीं किया है। वीरांगनाओं का कहना है कि जब तक उन्हें सरकार की ओर से लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा वो अपने घर नहीं जाएगी। इस दौरान राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी वीरांगनाएं के साथ मौजूद रहे। प्रताप सिंह खाचरियावास ने वीरांगनाओं से मुलाकात के बाद कहा कि पुलिस ने शहीदों की पत्नियों के साथ जो व्यवहार किया है वो गलत है। वीरांगनाओं का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो वीरांगनाओं की मांगे हैं उसमें सांगोद में दो शहीदों की प्रतिमाएं लग गई है और उसमें वीरांगना अदालत चौराहे पर मूर्ति की डिमांड कर रही है, उसमें भी रास्ता निकल जाएगा। बता दें कि जयपुर में सचिन पायलट के सरकारी आवास के बाहर पिछले दो दिनों से वीरांगनाएं धरने पर बैठी हुई है। दो पहले वीरांगनाओं ने सचिन पायलट से मुलाकात कर अपनी पीड़ा सुनाई थी, जिसके बाद पायलट ने सीएम गहलोत को इस मसले पर पत्र भी लिखा था। वहीं इससे पहले जयपुर के शहीद स्मारक पर भी वीरांगनाएं किरोड़ी लाल मीणा के साथ धरने पर बैठी हुई थी। किरोड़ी लगातार इन वीरांगनाओं की आवाज उठा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीणा से भी टेलीफोन के जरिए बातचीत की है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।